अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल राइस एंड शाइन। मुझे उम्मीद था आप सब खैरियत से होंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। इंशाल्लाह हमारी इंडिपेंडेंस डे की वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए एक शॉपिंग व्लॉग लेकर आई हूँ। मार्केट का विज़िट किया है। आज का व्लॉग है जामा क्लॉथ मार्केट। जामा क्लॉथ मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस मार्केट है। ये मार्केट अल्लाह वाला मार्केट से पहले है। काफ़ी लोग इसके एड्रेस के बारे में अवेयर होंगे। यहाँ पे का हर चीज़ का काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स में अवेलेबल होती है। अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, हो सकता है आपके काम की भी हो, तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हम लोग वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं। प्लीज़ अप्रिशिएट आर एफर्ट्स एंड हिट द लाइक बटन। एंड अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। जामा क्लॉथ मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल थी, मतलब बैग, शूज़, ज्वेलरी, शादी के कपड़े, कैजुअल कपड़े, फॉर्मल्स, सेमी फॉर्मल्स, एवरीथिंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत रिजनेबल प्राइस में थी। अभी आप देख अभी वीडियो स्टार्ट होगी तो आपको देखिएगा कि कितनी अच्छी कलेक्शन थी हर चीज़ की। ये अब हम जामा मार्केट पहुँच गए हैं। जामा क्लॉथ मार्केट सबसे पहला स्टॉल ही सैंडल्स का था। ये नीचे जितनी सैंडल्स के नीचे की रो थी, नीचे की सैंडल्स 450 रुपीज़ की थी। बहुत प्यारी स्लीपर्स थी, क्वालिटी वाइज भी और डिज़ाइंस भी काफ़ी एलिगेंट थे। ये आप देखें। और हमने अपनी 14 अगस्त की तैयारी भी यहीं से करी है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी स्लीपर्स हैं और हर स्लीपर्स के दो दो तीन तीन कलर्स हैं। ब्लैक, ये देखें, ये बो वाली सैंडल्स कितनी अच्छी हैं। ये ऊपर की दो रो की सैंडल थी, ये अराउंड 550 रुपीज़ की थी और ये सब सेल पे लगी हुई थी। इन्होंने बताया कि जब ईद के पास इनके पास और अच्छी कलेक्शन आती है। एज सच किसी ने मुझे कार्ड नहीं दिया, बट जिन्होंने मुझे अपना कार्ड और नंबर दिया है तो इंशाल्लाह मैं उनका कार्ड अटैच कर दूँगी ताकि आप लोग का आइडिया हो जाए। और अगर आप लोग खुद भी कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो उनसे आप कर सकते हैं। ये देखें, इनके पास वेजेस भी थे, हील्स भी थी, डिफरेंट फ्लैट्स भी थी। ये देखें, डिफरेंट टाइप की हील्स थी यहाँ दिखा रहे थे। उसके बाद ये भी एक हील थी, ये ब्लॉक हील थी। उसके बाद एक स्टॉल टॉवल्स का था, इनके पास ये डिफरेंट फैब्रिक्स की टॉवल थी। इनके पास जो टॉवल्स थी, एक कुछ कॉटन की थी और कुछ वेलवेट की थी, और अच्छी टॉवल की क्वालिटी वाइज अच्छी थी। मैंने अलग कपड़े टच करके देखा था, ये पैकिंग में थी। ये 3 पीस थी 1300 की, और ये जो सामने पिंक और ब्लू है ये 2 पीस थी 1100 की। प्राइस काफ़ी मुनासिब थे और क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी। एम्ब्रॉयडर्ड टॉवल्स भी थी, किसी पे गोल्डन हैंडवर्क भी हुआ था। उसके बाद ये नैपकिंस थे, ये देखें कितने प्यारे नैपकिंस लग रहे हैं, हैंडकरचीफ्स। और मतलब डिफरेंट टॉवल्स ही आप कैजुअल यूज़ कर सकते हो, जो जैसे भी दे सकते हो, तो क्वालिटी वाइज अच्छी थी। उसके बाद एक और स्लीपर्स का स्टॉल था जहाँ पे सब स्लीपर्स 400 रुपीज़ की थी। यहाँ पे शायद चाहे फैंसी हो, चाहे कैजुअल हो, चाहे फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, कैसी भी चप्पल हो, यहाँ पे सारी स्लीपर्स 400 रुपीज़ की थी। और मैं आपको स्लीपर्स का ओवरव्यू करा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए इनके स्टॉल्स पे क्या क्या अवेलेबल था। ये स्टॉल्स बिल्कुल मेन जामा मार्केट, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एंट्रेंस दिखाई थी, बिल्कुल उसके सामने ही स्टॉल्स थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हर स्लीपर में सारे साइजेस अवेलेबल थे मोस्टली, और हर स्लीपर के डिफरेंट कलर्स भी थे। ये देखें, ऊपर हील्स रखी हुई हैं, ये भी 400 रुपीज़ की थी। ये फॉर्मल हील्स भी हैं, ये भी 400 रुपीज़ की थी। तो डिफरेंट स्लीपर्स थी। इसके बराबर में उनका एक और भी स्टॉल था, वहाँ पे भी और वैरायटी थी, वो भी मैं आपको शो करूँगी। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। मैं आपको सारी स्लीपर्स का ओवरव्यू करा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और मैं दोबारा बताती चलूँगी, सब स्लीपर्स 400 रुपीज़ की थी। तो जामा मार्केट में काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई है स्लीपर्स की, और काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पर चीज़ें। तो मैंने आप लोग को पूरी जामा मार्केट का टूर करवाया है ताकि आप लोग का आइडिया हो जाए इस मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है। ये देखें, ये सारी फैंसी स्लीपर्स हैं। फैंसी स्लीपर्स का प्राइस पूछे थे, ये जो ऊपर हैं तो उन्होंने कहा था इसके डिफरेंट प्राइसेस, और नीचे की जो 3 रो थी स्टार्टिंग की,
इसकी सब प्राइजेस 400 रुपीज़ की थी, मतलब सारी स्लीपर 400 रुपीज़ की थी और ऊपर की रेंज के प्राइस डिफरेंट थे। उसके बाद के कुछ हैंड बैग्स हैं जिसके डिज़ाइन मुझे मतलब कुछ के अच्छे लगे, कुछ के अच्छे नहीं लगे, ये अपने अपने चॉइस पे डिपेंड करता है किसको किस तरह के बैग्स पसंद आते हैं। तो ये सारे बैग्स 400 रुपीज़ के थे। इसका स्टॉल भी वैसे स्लीपर्स वालों के बराबर में ही था, ये सब स्टॉल लाइन में ही थे। तो बैग्स की मतलब कैपेसिटी काफ़ी अच्छी थी, 400 रुपीज़ के स्टॉल पर्सेस थे, पर्स या हैंड बैग्स। और क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी, क्वालिटी भी मुझे सही लगी। बाकी आप जब खुद परचेज़ करें तो आप चेक कर सकते हैं। जिप वाला, जिप मैंने ऐसा चेक नहीं की थी, मैंने बाहर से ही देखा था, तो बाहर से इट सीम्स टू बी ओके। तो 400 रुपीज़ के ही बैग्स थे। उसके बाद हम लोग ने लिए हमारे लिए पाकिस्तानी बैजेस, पाकिस्तानी फ्लैग बैजेस जो हम सब इंडिपेंडेंस डे पे यूज़ करते हैं। उसके अलावा काफ़ी क्यूट चीज़ें थी, बच्चों के लिए पोनीस, पाकिस्तानी बैंड्स, ग्लासेस, कैचर्स, लाइट वाले बैजेस, रिंग्स, काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। बट एक बैच ही क्यूट लगता है, तो हम सब ने अपने अपने लिए बैजेस लिए हैं यहाँ से। बैजेस के अलावा यहाँ पे देखें इतने क्यूट से स्टड्स भी थे, इवन नेल पॉलिशेस थी पाकिस्तानी फ्लैग के कलर्स की, वाइट एंड ग्रीन। उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वैरायटी थी इनके पास, हेयरबैंड्स थे, इतनी क्यूट पोनीज थी। उसके बाद देखेंगे और तरह के बैजेस थे, कैप्स थी, पोनी थी, एक से बढ़कर एक बैजेस था, बहुत प्यारी चीज़ें थी। तो हम लोग ने तो बैजेस ही लिए हैं मोस्टली। बलून्स थे यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें थी आप देख सकते हैं। डेफिनेटली इंडिपेंडेंस डे सबके लिए बहुत स्पेशल रहता है, क्योंकि पाकिस्तानी हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है हम सबकी ज़िंदगी में। बट आई थिंक इज़ के नॉट जस्ट कि हम इंडिपेंडेंस डे पे नेशनल सॉन्ग्स गा लें और उस दिन ऐसा ड्रेसअप हो जाए नेशनल फ्लैग के कलर्स में, बट आई थिंक इज़ के हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना भी चाहिए। मतलब जिस तरह अभी रिसेंटली तलहा तालिब, माहूर शहजाद, अरशद नदीम ओलंपियंस ने प्रूव किया है एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ करके आए हैं पाकिस्तान के लिए, तो हमें भी चाहिए कि हम किसी भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं स्पोर्ट्स, हम रिसर्च फील्ड में, कोई कंप्यूटर फील्ड में, स्टडी फील्ड में, साइंस की फील्ड में कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए करके दिखाएं। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉल था गर्ल्स की एसेसरीज़ का, यहाँ पर जितनी क्लिप्स, बाल पिंस वगैरह रखी हैं ये सब 30-30 रुपीज़ के पेयर थे। बहुत अच्छी बच्चियों की क्लिप्स थी, बहुत अच्छी रेंज आई हुई थी आप देख सकते हैं उनके पास, लड़कियों की और वुमेन की ऐसे सारी एसेसरीज मौजूद थी। उसके बाद सबसे अच्छी बात ये थी इनके पास इतनी प्यारी ज्वेलरी थी, इयररिंग्स थे और इतने रिजनेबल थे कि देखें इतने प्यारी इयररिंग्स हैं 200 रुपीज़ की। ये देखें इसका प्राइस भी क्लियर नज़र आ गया, 200 रुपीज़। ये इतनी हसीन इयररिंग्स थे 300 रुपीज़। उसके बाद ये इयररिंग्स 400 रुपीज़ के थे, मतलब एक से बढ़कर एक इयररिंग्स थे। ये देखें मैं आपको क्लोजअप दिखाई इयररिंग्स का, इतने हसीन इयररिंग्स थे। उसके बाद यही सेम इयररिंग्स गोल्डन में थे 400 रुपीज़ में। उसके बाद ये दूसरी इयररिंग्स थी गोल्डन में 300 रुपीज़। ये गोल्डन के साथ मल्टी कलर कंट्रास्ट में था 300 रुपीज़। गोल्डन के साथ मल्टी कलर और सिल्वर की लाइनिंग थी 300 रुपीज़। काफ़ी अच्छी इयरिंग्स थी और बहुत रिजनेबल थी। अगर यही सेम इयरिंग्स आपके नॉर्मल शॉप से ले लें तो ये 400-500-600 से कम की नहीं थी, बट यहाँ पे काफ़ी रिजनेबल मिल रही थी। ये देखें 250 रुपीज़ की इयरिंग, ये 210 रुपीज़ की इयरिंग्स। तो काफ़ी अच्छा स्टॉल था इनका। ये देखें 300 रुपीज़ की इतनी बेहतरीन इयररिंग्स हैं। तो मुझे इनका स्टॉल पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब काफ़ी कलेक्शन थी, ये नहीं सिर्फ कि हेयर एसेसरीज थी, इनके पास ज्वेलरी भी थी, डिफरेंट स्टड्स भी थे, पोनी वगैरह, हेयर एसेसरीज भी थी, इयररिंग्स वगैरह भी थे, ज्वेलरी का सारा सामान था। ये जितने स्टड्स थे 150 रुपये के थे।
रिंग्स वगैरह 100 की थी, डिफरेंट प्राइजेस थे, तो इनका स्टॉल काफ़ी अच्छा था। ये देखें पोनीस, ये देखें ये पोनी कितनी क्यूट थी, फ्लफी, वो काफ़ी फ्लफी थी। ये कैचर्स सारे 30 रुपये का एक कैचर था। उसके बाद कैचर्स में भी काफ़ी वैरायटी थी, मतलब कुछ फैंसी थे, कुछ मल्टी कलर के थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिबन्स थे, कुछ बैंगल्स वगैरह थे, यहाँ पे कुछ और इयररिंग्स थे। ये इयररिंग 200 रुपीज़ की थी। उसके बाद ये ज़्यादा लॉन्ग इयररिंग्स नहीं थे, 200 और 250 की रेंज थी सारी। आप देखें इयररिंग्स की डिटेल्स, कितनी प्यारी इयररिंग्स हैं। ये आजकल गजरा इयररिंग्स भी चल रही हैं, ये 200 रुपीज़ की इयररिंग्स थी, ये भी 200 रुपीज़ की इयररिंग्स थी। ये ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन था, 200 रुपीज़ की इयररिंग्स थी। ये वाइट गोल्डन और कॉपर का कॉम्बिनेशन था, 200 रुपीज़ की इयररिंग्स थी। ये प्योर सिल्वर मेटेलिक ब्लैक कलर था, 200 रुपीज़ की। ये हूप इयररिंग्स थे, 200 रुपीज़। ये देखें इसमें सेम डिज़ाइन ऊपर ब्लैक में था, मतलब काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी। कुछ इयररिंग्स बहुत ज़्यादा हैवी थे, कुछ नॉर्मल थे। रेंज इनकी नॉर्मली थी 200 से 400 के बीच में सारे इयररिंग्स थे, और बहुत हसीन इयररिंग्स थे, और क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी। उसके बाद ये कुछ चोकर नेकलेस थे, जो 150 रुपीज़ का एक था। ये देखें इतने प्यारे लग रहे थे, मैंने आपको कुछ इसके डिज़ाइन भी शो किए हैं। उसके बाद ये कुछ स्टड्स थे, 150 रुपीज़ का ईच। ये आप देखें कुछ डिज़ाइन मैंने आपको शो करें, आप इसमें से कुछ भी ले लें, 150 रुपीज़ के थे, काफ़ी अच्छी ज्वेलरी थी इनके पास, आई रियली लाइक द ज्वेलरी। उसके बाद ये देखिए रिंग्स की कलेक्शन थी, कुछ ये छोटे स्टड्स थे। उसके बाद ये हेयर क्लिप्स थी। कुछ चीज़ों की प्राइस इन्होंने बताई, कुछ की नहीं बताई। ये रिंग्स देखें कितनी हसीन थी, ये रिंग्स 100 रुपीज़ की ईच थी। ये देखें ये कुछ सिंपल प्लेन हूप्स थे, डिफरेंट शेप्स के। ये देखें ये झूमर था। उसके बाद ये कुछ और ज्वेलरी थी, झुमका झुमके 250 रुपीज़ की। इयर रिंग्स इनके आज बहुत हसीन थे, नो डाउट। ये बिल्कुल मज़ार के सामने इनका स्टॉल था, ये आप देख सकते हैं पीछे मज़ार था। उसके बाद ये हैंडबैग्स का एक और स्टॉल था, यहाँ पे नीचे वाले सारे हैंडबैग्स 450 रुपीज़ के थे, और ऊपर कुछ हैंग हुए हुए थे, ऊपर की रोज में जो थे और कुछ हैंग हुए हुए थे, वो 550 रुपीज़ के थे। लाइक मुझे बैग का जो फैब्रिक था काफ़ी सही लगा, अच्छा लगा। एक आपके मैंने जिप भी चेक की थी, बट वही बात है कि बंदे को खुद क्वालिटी चेक करके लेना चाहिए जब तक खुद सेटिस्फेक्शन ना हो। तो मुझे इनका स्टॉल काफ़ी अच्छा लगा था, 450 रुपीज़ के नीचे वाले बैग्स का, ऊपर वाले बैग्स 550 रुपीज़ के थे। इनके पास भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। मैंने आपको सारे बैग्स शो करने की कोशिश करी है, ताकि आपको आइडिया हो कि जामा क्लोथ मार्केट में क्या क्या कलेक्शन है, कैसी वैरायटी है हैंडबैग्स की। जो ऊपर के बैग्स हैं 550 रुपीज़ के थे, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आपको डिज़ाइन भी शो हो जाए। बहुत सारी कलेक्शन इनके पास, और मुझे तो सही लगी, लेकिन आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। हैंडबैग्स की मतलब अंदर की कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बड़े हैंडबैग्स थे और अच्छे भी लगे मुझे। ये कुछ बैकपैक्स भी थे। यहाँ पे जामा क्लॉथ मार्केट का पार्ट वन ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम लोग जल्द ही आपको दिखाएंगे कि हमने 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करी, और जामा क्लॉथ मार्केट का पार्ट टू भी जल्द आने वाला है। प्लीज़ स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।